दोस्तों, मेरा नाम कपिल गोयल है और पिछले वीडियो में हमने एक फॉर्म का एक डिज़ाइन क्रिएट किया था। अब इसके बाद हम इस वीडियो में हम इसमें वैलिडेशन लगाएंगे। तो वैलिडेशन लगाने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्म का एक्शन बदलना है, मेथड बदलना है। तो मेथड हमारा होगा पोस्ट, एक्शन हमारा होगा इको बेस अंडरस्कोर यूआरएल। इसके बाद स्लैश, इसके बाद हमारे क्लास का नाम क्या है, मेन मेन, और उसके बाद हमारी जो हम एक फंक्शन और क्रिएट करेंगे उसका नाम रखेंगे हम फॉर्म वैलिडेशन। इसे मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे हमें ईमेल की जगह टेक्स्ट चाहिए, तो इसको टेक्स्ट में चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट टेक्स्ट और नेम नेम रख देता हूँ, इसका फर्स्ट नेम कर देता हूँ, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इसको भी चेंज कर देता हूँ मैं, फर्स्ट नेम। इसी तरह से हम इसका नाम चेंज कर देते हैं फॉर लास्ट नेम, ठीक है। टेक्स्ट लास्ट नेम, और इसके बाद इसका नेम भी रख देते हैं लास्ट अंडरस्कोर नेम। सबमिट हमारा सबमिट ही रहेगा, ये रिमेम्बर वाला हम हटा देते हैं, इसका हमारे लिए यूज नहीं है। इसकी वैल्यू ऑन कर देते हैं, सबमिट सबमिट, सेव करते हैं। अब इसके बाद जो बेस यूआरएल है हमारा, तो इसके लिए हमें यूआरएल हेल्पर हमें लोड कराना पड़ेगा इसमें। तो यूआरएल हेल्पर लोड कराने के लिए हम जाएंगे ऑटो लोड डॉट पी एच पी में। ऑटो लोड डॉट पी एच पी में जाने के बाद हम, चलो आपको बिना यूआरएल हेल्पर के पहले दिखाता हूँ कि ये एरर देता है या नहीं। यहाँ पे हम अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे जैसे मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ फॉर्म वैलिडेशन, ये हमारे फंक्शन का नाम है, ये हमारा कंट्रोलर है। कंट्रोलर के अंदर फॉर्म वैलिडेशन नाम का एक हमने फंक्शन बनाया है, तो इसमें लिखते हैं इको इट्स वॉकिंग, सेव करते हैं। जो हमारा मेन के मेन हमारी क्लास है, और फॉर्म वैलिडेशन एक फंक्शन हमने क्रिएट किया है, जो जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो इसका एक्शन यहाँ पे आएगा, तो इस तरह से ये काम करेगा। और इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो मैं इसको दोबारा एक बार लोड कर लेता हूँ, ये अब एरर दे रहा है कि कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन बेस यूआरएल। ये एरर इसलिए दे रहा है कि हमने यूआरएल हेल्पर यहाँ पे लोड नहीं कराया है। तो यूआरएल हेल्पर लोड कराने के लिए हम अपनी फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद ऑटो लोड डॉट पी एच पी को हम ओपन करते हैं कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर, और हेल्पर ढूंढना है इसमें। हेल्पर हमारा ये रहा, तो इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमाज यूआरएल, सेव करते हैं इसको। अब चेक करते हैं इसको वापस, तो आप देख सकते हैं ये हमारा काम कर रहा है। कपिल गोयल, अब इसको हम सबमिट करते हैं, तो आप देखोगे कि इट्स वर्किंग लिखा हुआ आ गया है। हमने क्या किया है कि हमने व्यू मेन व्यू डॉट पी एच पी के अंदर एक फॉर्म क्रिएट करा, उसका मेथड हमने पोस्ट रखा, एक्शन हमने रखा मेन, और फॉर्म वैलिडेशन, मेन हमारी क्लास है
ये वाली फॉर्म वैलिडेशन हमारा फंक्शन है, तो इसका एक्शन इस पे जाएगा। तो इसमें हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का एक फील्ड बनाया हुआ है, इसको मैं लास्ट नेम में चेंज कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो अब हम इस पे फॉर्म वैलिडेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें फॉर्म वैलिडेशन के लिए एक लाइब्रेरी लोड करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम अपनी यूजर गाइड पे जाते हैं, यहाँ पे ढूंढते हैं फॉर्म, फॉर्म हेल्पर, इसको ओपन करते हैं। फॉर्म हेल्पर के अंदर हमें सबसे पहले हमारा फॉर्म हेल्पर लोड कराना है, तो इसके लिए हम इसमें इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ये इससे हमारा फॉर्म हेल्पर इस फंक्शन के अंदर लोड होगा जब ये फंक्शन कॉल होगा। अब उसके बाद हमें एक और लाइब्रेरी ऐड करनी वाली है इसमें फॉर्म वैलिडेशन की। तो फॉर्म वैलिडेशन का ये रहा, तो अब नीचे जाते हैं और ये रही लाइब्रेरी, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। दिस हेल्पर के लिए हम हेल्पर लगाते हैं और लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें हम अपना वैलिडेशन लगाएंगे। तो वैलिडेशन लगाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे डॉलर दिस फॉर्म अंडरस्कोर वैलिडेशन, उसके बाद यहाँ पे सेट अंडरस्कोर रूल। आप इसके डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से, इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले जिस पे लगानी है तो उसका नाम यहाँ पे आएगा, तो हमें लगानी है जैसे फर्स्ट नेम पे, इसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जो नाम हम अपने एरर्स के अंदर दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे आएगा, फर्स्ट नेम कॉमा, जैसे ये फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, इस तरह से जो एरर आता है ना उसके अंदर ये नाम आएगा, जो भी आप यहाँ पे लिख दोगे। जैसे आप लिख दोगे कि ईमेल, तो ईमेल इज रिक्वायर्ड आ जाएगा फर्स्ट नेम की जगह, तो इस तरह से। अब इसके अंदर हमें जो लगाना है, हम जैसे लगाना चाहते हैं रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से। आप यहाँ से सारे रूल इसके पढ़ सकते हैं अगर जब चाहिए तो, यहाँ पे सब कुछ डिफाइन होता है इसका। काफ़ी लंबी डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, तो यहाँ पे हर चीज यहाँ पे मेंशन है कौन सी चीज़ कैसे यूज करनी है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे लास्ट नेम पे वैलिडेशन लगा देते हैं रिक्वायर्ड की, लास्ट नेम इसको भी लास्ट में चेंज कर देते हैं, लास्ट नेम रिक्वायर्ड। अच्छा जी, अब इसके बाद करते हैं
अब इसके बाद जब ये वैलिडेशन सक्सेस हो जाएगा तब हम इस पे जाते हैं फॉर्म वैलिडेशन पे। अब हमारा वैलिडेशन रन होगा उसके बाद यहाँ पे एक कोड आएगा इफ के अंदर। अदरवाइज अगर नहीं रन होगा तो उसके लिए एल्स कंडीशन होगी। अगर हमारा फॉर्म वैलिडेशन सक्सेस होता है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये एल्स वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो हम देखते हैं, इसे चेक करते हैं एक बार, वर्किंग, इसको सेव करते हैं और इसमें चेक करते हैं। कपिल गोयल, इसको सबमिट कर देता हूँ मैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्किंग, एल्स में कुछ हम लगा देते हैं। नॉट वर्किंग, इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं। नॉट वर्किंग इसमें शो कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसमें मॉडल के अंदर जाएंगे। मॉडल के अंदर जितना भी डेटाबेस का काम होता है हमारा मॉडल के अंदर होता है। तो मॉडल के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे मेन अंडरस्कोर मॉडल डॉट PHP। इसको मैं सेव कर देता हूँ। PHP कोड इसका अब रन करते हैं। इसके अंदर मैं क्लास बनाता हूँ। अब क्लास बनाने के बाद इसमें भी उसी की तरह जैसे मेन मेन का एम बड़ा होगा, इसमें अंडरस्कोर मॉडल एक्सटेंड, इसमें CI कंट्रोलर को नहीं कराते, ये मॉडल है तो मॉडल के लिए हम CI अंडरस्कोर मॉडल का एम बड़ा मॉडल, इस तरह से हम मॉडल बनाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर को। अब इसमें मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन, इसका नाम रख देता हूँ मैं इंसर्ट डेटा। इंसर्ट डेटा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में करते हैं, अभी के लिए बस इतना छोड़ देते हैं हम। आपको वैलिडेशन लगाना आ ही गया होगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।